क्वेश्चन नंबर 20 का पहला, खाली स्थानों को भरें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला का ए देखिए, 35% जोड़ खाली स्थान है बराबर 100%। अब देखिए यहाँ पे 100% है, तो 35% में कितना जोड़ेंगे कि 100% आ जाएगा। तो देखिए 35% में यानी 100 से 35 घटा लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यानी 65% होगा इसका आंसर। देखिए 35% जोड़ 65% बराबर 100% होगा, तो हम यहाँ पे 65 भरेंगे क्योंकि प्रतिशत तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, बस 100 में से 35 को घटा लेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा। अब बी, तो बी में है 64% जोड़ 20% जोड़ खाली स्थान, देखिए प्रतिशत बराबर 100%। तो 64 20 कितना हुआ 84, तो 84 में कितना जोड़ा जाए कि 100 आ जाएगा, तो 16 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16। देखिए 64 प्लस 20 प्लस 16 यानी तीनों प्रतिशत में है, तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 100% आ रहा है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए कुल प्रतिशत 100% होता है कुछ भी, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल प्रतिशत, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो 100% ही होता है हर चीज़। ठीक है, तो कुल प्रतिशत कितना हो गया 100%। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों का प्रतिशत, तो देखिए बच्चों का प्रतिशत बराबर कैसे निकलेगा, तो कुल प्रतिशत में से देखिए 100% में से हम घटा देंगे किसको, तो 30% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके महिलाएं का प्रतिशत और पुरुष का प्रतिशत को जोड़ करके 100 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100% माइनस 40 30 70%, तो कितना आ गया 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं तो 100% पे, ठीक है, तो हम पूरा जनसंख्या कितना होगा 100%, बच्चा और महिलाएं और पुरुष को मिलाकर 100% होगा जनसंख्या। ठीक है, तो बच्चों का प्रतिशत 100 में से हम दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, महिला और पुरुष, तो यानी 30% बच्चा है और 30% क्या है वहाँ, देखिए महिलाएं, 40% पुरुष। तो दूसरा में हमसे पूछ रहा है, हमारे पास सेब संतरों तथा आमों से भरी एक टोकरी है, यदि उन उसमें 50% सेब तथा 30% संतरे हैं, तब आमों का प्रतिशत कितना है? तो इसमें देखिए कुल प्रतिशत तीनों मिलाकर के होगा कितना, कुल प्रतिशत बराबर कितना होगा 100% होगा सब मिलाकर के। ठीक है, तो कुल प्रतिशत बराबर 100%। अब कह रहा है कि हमारे पास सेब संतरा तथा आमों से भरी एक टोकरी है, तो सेब है 50, 30 है संतरा, आमों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए आमों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100% में से किसको किसको घटा देंगे, तो सेब कितना है 50% और 30% है क्या संतरा, तो 30% 50% जोड़ 30% यानी सेब और संतरा को जोड़ करके 100 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100% माइनस 50 30 80%। तो सेब और संतरा मिला के 80% हुआ, तो आम कितना हो जाएगा 20%, देखिए घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो देखिए पूछ कह रहा था कि टोकरी है, टोकरी में देखिए 100% फल होगा, ठीक है, जितना भी होगा 100% हुआ, तो बस दोनों को जोड़ करके 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21,
किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है?